चलिए बॉलीवुड्स मोस्ट कंट्रोवर्शियल के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम आपको बताते हैं ऐश्वर्या राय से जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में। चलिए शुरुआत लेटेस्ट से ही करते हैं। हाल ही में ऐश्वर्या राय के जीवन में एक बड़ा विवाद उठ गया, जिसमें बच्चन परिवार के साथ उनके रिश्तों की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या का जया और श्वेता के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, और यही बात उनके और अभिषेक के शादीशुदा जीवन को भी प्रभावित कर रही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि ऐश्वर्या अपनी बेटी और माँ के साथ बच्चन हाउस छोड़कर अलग रह रही हैं। कई रिपोर्ट का तो ये भी दावा है कि अभिषेक और ऐश्वर्या ग्रे डिवोर्स भी लेने वाले हैं। वह इन खबरों पर अभी तक बच्चन परिवार में से किसी ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते के टूटने की खबर आई हो। 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब सरबजीत की स्क्रीनिंग के दौरान अभिषेक ने ऐश्वर्या के साथ रूड बिहेव किया था और खबरें आने लगी थी कि उनका रिश्ता टूटने वाला है। हालांकि इस मौके पर अभिषेक ने चुप्पी तोड़ी थी और उन्होंने कहा था, but I understand why you all do it. You all also have to file some stories. It's okay. We're celebrities. We have to take it. Still married. Sorry. ये तो रही उनकी शादीशुदा जिंदगी की बात, लेकिन कंट्रोवर्सीज ने उनका दामन तब भी थामा था जब उन्होंने अपनी बेटी आराध्या को जन्म दिया था। बेटी को जन्म देने के बाद उन्होंने वेट गेन किया था। इसको लेकर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था। उनके फिजिकल अपीयरेंस पर लोगों ने खूब सवाल उठाए थे, लेकिन इस पूरे सिचुएशन को उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल किया और अपना पूरा ध्यान आराध्या की परवरिश पर ही केंद्रित किया। कांस फिल्म फेस्टिवल में नियमित रूप से शामिल होने के कारण ऐश्वर्या राय की खास ड्रेस हमेशा सुर्खियों में रहती है। हालांकि कई बार उनके ड्रेसिंग सेंस पर लोगों ने सवाल उठाए। अब ज्यादा पुरानी बात क्यों करनी, इस साल की ही बात देखते हैं। कांस 2024 में उनके ब्लैक गोल्डन गाउन को लेकर भी काफी लोगों ने उनकी निंदा की, लेकिन निंदा की चिंता करने वालों में ऐश्वर्या नहीं, उन्होंने इसे भी एक पॉजिटिविटी के साथ ही लिया। पनामा पेपर लीक में भी ऐश्वर्या का नाम शामिल हुआ था। दरअसल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। ग्लोबल टैक्स लीक पहली बार 2016 में सामने आया, जब इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने दुनिया भर के मीडिया संगठनों के साथ अपनी जांच साझा की। इस रिपोर्टों से पता चलता है कि कैसे पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन और एक्टर्स तक कई हस्तियों ने कथित तौर पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जैसे टैक्स हेवन में शेल कंपनियों में अपना पैसा लगाया और अपने देश में टैक्स नहीं भरा। इस लिस्ट में ऐश्वर्या का नाम भी शामिल था। वैसे जब ऐश्वर्या का नाम पहली बार 2016 में सामने आया तो उनकी मीडिया सलाहकार अर्चना सदानंद ने इस खुलासे पर सवाल उठाया था और रिपोर्टों को असत्य और गलत बताया था। ऐश्वर्या से जुड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज में इस घटना का भी उल्लेख है। ऐश्वर्या राय के इर्द गिर्द उस समय भी खूब कंट्रोवर्सी हुई थी जब धूम 2 में उन्होंने ऋतिक रोशन को किस किया, क्योंकि ऐश्वर्या ने इससे पहले अपनी किसी भी फिल्म में किसी भी कोस्टार को किस नहीं किया था। ये तो रही उनसे जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज, लेकिन ऐश्वर्या और कंट्रोवर्सीज का छोली दामन का रिश्ता है। भले ही उनके पास रिलेशनशिप हो या सोनम कपूर का उन्हें आंटी बुलाना, सबने खूब सुर्खियां बटोरी। वेल, इनमें से किस कंट्रोवर्सी ने किया था आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही मनोरंजक और चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।